तो भाई लोग आज की सीख से मिलता है कि ओडिया इंडस्ट्री को ना आगे से जब भी मूवी बनाता है ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जब इसका हाइप बन जाए ना तो फिर इसका हिंदी डबिंग भी ले आए, मत लेट ना करें, क्योंकि उसका जो कर्म का फल दमन भोग रहा है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दमन का जब टाइम था, एक वक्त था तब सारे ऑडियंसेस को प्यार कर रहे थे, हाइप इतना था, जिस तरह से वो कमाई कर सकता था, लेकिन उस तरह से तो नहीं कर रहे, लेकिन जितना भी कर रहा है वो भी देखने लायक है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ओडिया फिल्म को अपने स्टेट में स्क्रीन नहीं मिलता था, लेकिन इसको नॉर्थ और साउथ में मिला है, साउथ में मिला के अभी मिल रहा है, एकदम 200 से 250 स्क्रीन मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी शुरुआत है, एक बहुत ही एक गोल्डन चांस है ओडिशा के लिए। और जहां देखे कि बॉलीवुड एक्टर सारे इसका रिएक्शन दे रहे, अजय देवगन, विदित जामवाल और बहुत सारे ऐसे एक्टर है जो कि इसका रिएक्शन दे रहे। और अभी फिलहाल करीना को पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपने दमन देखा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन वो बिल्कुल ज़रूर देखने जाएंगे इस मूवी के साथ, क्योंकि उन्होंने आए थे ओडिशा और इस मूवी के बारे में भी बात किए थे। और बात करें इस मूवी के बारे में, उन्होंने बताया कि इस मूवी को वो देखने जाएंगे, और उन्होंने ये भी बताया जितना भी इस मूवी के बारे में सुने हैं वो बहुत ज़्यादा लोग इसका चर्चा कर रहे हैं और वो बिल्कुल इसको देखना चाहेंगे अपने फैमिली के साथ। तो भाई लोग, जहाँ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, इतना बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसका रिव्यू कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तो फिर ऑडियंस को देखना जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मूवी को मिस नहीं करना चाहिए। पैसा बड़ी बात नहीं होता है, बस देखिए यार, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बस आग लगा देना वो नहीं होता है, लेकिन भाई मूवी ने क्या सिखाया ये बहुत बड़ी बात है, किस तरह से इन मेकर्स ने इन मूवी को बनाया है, किस तरह से लेवल को इसने पार करके किया है, वो तरह देखने लायक है एकदम। जो सिनेमाटोग्राफी एकदम रियल है, ना कोई फेफेक्स है, 95 लाख के बजट में बनने वाली ये फिल्म आपको सिखा देगा कि लाइफ में हर शुरुआत की कोई बड़ी नहीं होती, छोटी से भी कर सकते हो। तो ओडिया इंडस्ट्री ने ये सबको दिखा दिया, चाहे बॉलीवुड हो या फिर साउथ।